अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ यू सी द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इन द कमर्शियल सेक्टर इन पाकिस्तान? जी, अच्छा सवाल है। एक पहले मैं आपको छोटा सा एनेक्डोट सुना दूं, रियल एस्टेट वाले नाराज हो जाएंगे मुझसे। मैं एक दिन आया क्रिकेट क्लब में वॉक करने के लिए जा रहा था, तो मैं ट्रैक पे पहुंचा तो सामने तीन लोग खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे देखा तो वो कहते हैं, असद साहब, खुदा का वास्ता, रियल एस्टेट में बड़ा मंदा है, कुछ करो। अच्छा, करते हैं कुछ। उसके बाद मैं वॉक करनी शुरू कर दी, तो व्हाइल आई वाज वॉकिंग, दो लड़के मेरे पास क्विकली करीब आए मेरे, और उन्होंने कहा कि सर, हमें पता है आप वॉक करें, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, सिर्फ आपको ये कहने के लिए आए थे, सर हम एक्सपोर्टर हैं, सर हमारे तो मजे करा दिया आपने। तो मैं वापस गया, मैंने इमरान खान को कहा, यार बड़ी मुश्किल है, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल छोड़ो, मुझे फीडबैक इस वक्त, मैं ग्राउंड से कराची से ये लेके आ रहा हूँ कि इकोनॉमी में जिधर हम जाना चाहते हैं वो ठीक जा रही है। देखो, रियल एस्टेट इज अ टची सब्जेक्ट, लोगों की, लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, जाहिर है कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप कहें कि जी रियल एस्टेट के अंदर प्राइसेस गिर जाए। बट मुझे ये बताओ कि आप ये कंपेटिटिवनेस की हम बात करें, ये मुल्क कैसे कम्पीट करेगा? मैं ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया था आज से तीन साल पहले, हाँ तीन साल पहले की बात है। वहां पे उनका डेयरी इंडस्ट्री, मैंने कहा मैं चेक करता हूँ, एनर्जी सेक्टर और डेयरी, दो सेक्टर्स को मैंने डिटेल में स्टडी किया वहां पे। तो हमें वो फार्म पे लेके गए, गिप्सलैंड एक एरिया है मेलबर्न के बाहर जो उनका डेयरी प्रोडक्शन सेंटर है। उधर जब फार्म पे थे, मैं उनकी प्रोडक्टिविटी चेक कर रहा था, मैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ा एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा था, मैंने उससे जमीन की कीमत पूछी। उसने मुझे जब जमीन की कीमत बताई, जफर, इट वॉज लेस देन द कॉस्ट इन ढेर की। हाउ डू यू कम्पीट? मेरे पास एक लड़का आया हुआ था मुझे मिलने के लिए भी पांच छह महीने पहले घर पे, उसने कहा था, ये आपने जो घर बनाया था आपको याद है कि इसमें से जमीन की कीमत कितनी थी और घर की कंस्ट्रक्शन की कीमत कितनी थी? ऐसे मुझे एग्जैक्टली याद है, वो तो मेरी स्प्रेडशीट अपने हाथ की बनाई हुई थी। 75% जो है, 75% जो है वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी और 25% जमीन की कीमत। इससे अगर आप आज यही घर इसी जमीन पे बनाएंगे तो 20% कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी, 80% जमीन की कीमत होगी। Why has this happened? Because all the black money in the economy got sucked into the real estate sector. What you have done is you have actually retarded the real estate sector. जमीन की कीमतें महंगी होगी, मैं तो फेज एट में जमीन खरीदी, मैं तो मजे हो गए, मैं तो कुछ भी नहीं करता। मैं तो अरेक से बोलता था कि तुम्हें फ्यूचर अगर प्रोजेक्ट करना ना एक्सपोर्ट का, आप जिस तरह मुझसे पूछे रियल एस्टेट का, बड़ा आसान है, जितने भी एक्सपोर्टर है ना उनके जाके सेकंड जनरेशन के लड़कों से बात कर लो, जो 28, 30, 32 साल के लड़के हैं, यार तुम क्या करने चाहते हो? उनमें से एक नहीं कहता था कि मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, सब जो है वो रियल एस्टेट के अंदर आना चाहते। सो वॉट वी नीड टू डू इज एक प्रोडक्टिव, और हमारे ख्याल में वंस दी एडजस्टमेंट्स आर मेड, इफ दी the price of real estate reflects the market value of the state, transaction tax low hona chahiye, aur ye april ke mahine mein we have done this, maine punjab ke revenue minister, kp ke revenue minister, fpr chairman, teenon ko saath bithaya, and we had agreed ke ye jo humne multiple system banaya hua na, fpr rate aur dc rate aur ye sab khatam karna, ek rate hona chahiye, 80 to 85% the market prices ke upar le jaye, because buyer fluctuations hoti hain, and isko ek rate kar denge, aur जितनी प्रोपोर्शन से वैल्यूएशन बढ़ाएंगे उसी प्रोपोर्शन से जो रेट ऑफ टैक्स है उसको गिरा देंगे, ताकि ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स, उनके प्राइमरी पर्पस जो है वो ब्लैक जो पैसा वहां पे जा रहा है, ये जो मजबूर होकर व्हाइट कॉलर वर्कर जो है उसका पैसा भी जो है वो ब्लैक हो रहा है, जब वो रियल एस्टेट खरीदता है, ये जमीन खरीदता है, उसको खत्म करने के लिए करें, रेवेन्यू के लिए इमीडिएटली नहीं करें। वंस दिस एक एडजस्टमेंट पीरियड चला जाएगा, उसके बाद यार टोक्यो की कीमतें जाके देखो, न्यूयॉर्क की कीमतें जाके देखो, मुंबई की कीमतें जाके देखो, ब्लैक मार्केट की वजह से नहीं है, इट्स व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्स अप, जिस वक्त वो काम होना शुरू होगा तो खुद ब खुद रियल एस्टेट में। सो द बॉटम लाइन इज, एज आई स्टैंड टूडे, 1/3 ऑफ माई टोटल नेटवर्थ इज इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर।